हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर। आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आईपी हाइड कर सकते हैं और अनॉनमस हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हम अनॉनमस क्यों होना चाहते हैं और हम आईपी क्यों हाइड कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जब हम हैक करते हैं, हैकिंग अटैक्स करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, अपनी आईपी को हाइड करते हैं। ये दो केसेस में होता है। पहला केस होता है वाइट हैट हैकिंग का, दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकिंग का। व्हाइट हैट हैकिंग में अपनी आईपी इसलिए छुपाई जाती है ताकि हम ये चेक कर सकें कि क्या सिस्टम हमारी आईपी देख पा रहा है। तो इस केस में हम चाहते हैं कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो किसी भी हैकर की या प्रोग्रामर की आईपी को ट्रेस कर ले, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे सिस्टम में कौन घुस रहा है, कौन इंटरफेयर कर रहा है, कौन चीजें डाउनलोड कर रहा है या डिलीट कर रहा है। ठीक है, ये तो रहा व्हाइट हैट हैकिंग का। अब ब्लैक हैट हैकर्स क्यों इसको यूज करते हैं? वो चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल करके वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा लें, गलत काम करें, चीजों को हैक करें और उन्हें कोई पकड़ ना सके। हालांकि वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि हर कोई चोर अपने पीछे निशान जरूर छोड़ जाता है और उसको ट्रेस कर लिया जाता है। तो खैर, ये तो दोनों अलग अलग अप्रोच रहे। इसको आप गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेरा ट्यूटोरियल है, ये सिर्फ सही तरीके वाले लोगों के लिए जो सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने सिस्टम की सिक्योरिटी देखना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो या ऐसे चीज पर रिसर्च कर रहे हो जिससे किसी की आईपी ट्रेस हो सके, पता चल सके कि आईपी क्या है उसकी, ऐसी चीजें करना चाहते हो, अपने सिस्टम को और स्ट्रांग करना चाहते हो। तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। अगर आप हैकर्स को रोकना चाहते हो तो आपको हैकर्स की तरह सोचना पड़ेगा। चलिए, ये तो रही बात कि क्यों होता है और कैसे कौन लोग इसको करते हैं, क्यों करते हैं। अब हम इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करेंगे VPN, उसके बाद हम यूज करेंगे टॉर ब्राउजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम VPN को कॉन्फ़िगर करेंगे और ये जानेंगे कि VPN क्या होता है। देखिए, VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे आपको पता है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट आपको देता है, उसका एक खुद का नेटवर्क है। ठीक है, आप उसे सर्व करते हैं। ऐसे ही वैसा ही दिखता हुआ नेटवर्क आप वर्चुअली बना सकते हैं, मतलब एक छोटा सा नेटवर्क आप खुद का बना सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क, जिसके थ्रू आप इंटरनेट सर्व कर सकते हैं। आपकी सर्व की हुई चीजें प्राइवेट रहेंगी और किसी तक डिस्क्लोज नहीं होंगी। आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो ये नहीं देख पाएगा कि आप क्या सर्व कर रहे हैं। तो इन चीजों के लिए VPN आई। अब बात उठती है कि हैकिंग में VPN यूज करना क्या सेफ है? अगर आप अकेले VPN यूज कर रहे हैं तो ये सेफ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ही आईपी की मास्किंग है। एक VPN है और उसके पहले आपका नेटवर्क, ठीक है, बीच में आप हैं और उसके बाद कोई नहीं, मतलब आप और नेटवर्क। ठीक है, जब आप नॉर्मली सर्व कर रहे हैं। अब VPN अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होता है? नेटवर्क है, VPN है, आप है, बीच में VPN आ जाता है। तो एक लेयर आ गई, ठीक है, एक लेयर के पीछे आप VPN के पीछे छुपे हुए हैं। और एक लेयर को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस केस में हमें डबल चीजें यूज करनी पड़ती है, VPN और टॉर ब्राउजर। आपको पता होगा कि टॉर ब्राउजर बहुत सारी आईपीज की सर्किट बनाता है, मतलब पहले आईपी, दूसरा आईपी, तीसरा आईपी, चौथा आईपी, ऐसी 8-7 आईपी के पीछे आप छुपे होते हैं। तो हम अगर टॉर ब्राउजर और VPN दोनों यूज करते हैं तो हम काफी लेयर्स बना लेते हैं जिनके पीछे हम छुपे होते हैं। पहली लेयर होती है VPN की, उसके बाद टॉर ब्राउजर की 7 लेयर्स, उसके बाद आप होते हैं। तो काफी हद तक आप एनोनिमस हो जाते हैं और आपको ट्रेस करना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम VPN यूज करेंगे। यहां पर मेरे पास एक VPN का सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है NMDVPN। ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स के साथ मैं आपको ये दे दूंगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। इसको डबल क्लिक कीजिए और नेक्स्ट 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 करते जाइए। इंस्टॉल हो गया, लेकिन इंस्टॉल करने के जस्ट बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसको आपको कन्फिगर करना पड़ेगा। कन्फिगर कैसे करना है? सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाएगा तो ये प्रोग्राम का जो शॉर्टकट है आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें गूगल पर जाना है और लिखना है VPN book password। ठीक है,
यहाँ पर ओपन वीपीएन के जो पासवर्ड होते हैं वो होते हैं, मतलब ओपन वीपीएन मतलब जो कोई भी यूज कर सकता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो होते ही हैं, लेकिन ये फ्री वाले होते हैं। अगर आप कोई बड़ा हैक कर रहे हैं या किसी बड़े सिस्टम को चेक कर रहे हैं तो आप पेड वाला यूज करें, पैसे दे के इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर नॉर्मल चीजें आप एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं तो आप फ्री वाला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे होती है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल कितनी सारी है, यहाँ पर कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कौन सी की जाए, जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री की बिल्कुल नहीं करनी, दूर किसी कंपनी कंट्री की करनी है। मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स की करूँगा। देखिए इसको डाउनलोड बटन दबाइए, ओके कर दीजिए। चलिए डाउनलोड हो गई, ओपन फोल्डर किया, इसको कॉपी करके हम इसको कट करके डेस्कटॉप पर रख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये तो रही कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अब हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। देखिए यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड है, ये हर दो दिन में हर एक दिन में बदलता रहता है, ठीक है। चलिए तो इसका पासवर्ड ये है, तो हम इसका पहले यूजर नेम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये यूजर नेम कहाँ डालना है आप देखते जाइए, कंप्यूटर में जाइए, सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाइए, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आपको nmdvpn नाम का एक फोल्डर मिलेगा, देखिए ये रहा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और यहाँ यूजर नेम cv लिखा होगा उसको डिलीट कीजिए और जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए, पासवर्ड को भी डिलीट कर दीजिए और वेबसाइट पर जाइए और पासवर्ड देखिए, ये रहा, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, पास सेलेक्ट करके pass.txt सेलेक्ट करके सेव रिप्लेस, ओके okay. ये एक्सेस डिनाइड हो रहा है तो हम अपनी फाइल किसी और नाम से सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे pass.txt के नाम पे, ठीक है। तो हमारी जो नई फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है। अब इसको यहाँ ड्रैग करेंगे, कॉपी मूव एंड रिप्लेस, कंटिन्यू, हो गया रिप्लेस हो गया, नया पासवर्ड और यूजर नेम हो गया। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे करनी है ये देखिए, हमने डाउनलोड की थी ना, इसको ओपन करेंगे, सारे को मार्क करेंगे और यहाँ ड्रैग करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर सारी जो फाइल है वो हो गई, अब इसको काट देंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अभी हमारी आईपी क्या है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि वीपीएन कैसे आईपी छुपाती है, तो लिखेंगे व्हाट इज माय आईपी, देखिए क्या है मेरी आईपी, 1172149565, ठीक है। इस टैब को खुले रहने देंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब हम वीपीएन से कनेक्ट होंगे, तो हम वीपीएन से कनेक्ट कैसे होंगे, जो वीपीएन का सॉफ्टवेयर का आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर नीचे रेड रेड आ गया, उसको राइट क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट बटन दबाएंगे। यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है तो हम यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं, हालांकि ये नहीं मांगता है लेकिन कभी कभी मांग लेते हैं, तो इसको हम यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डाल देते हैं। यूजर नेम हमारा वीपीएन बुक था और पासवर्ड यहां से मिल जाएगा हमको दोबारा, ये रहा, यहां पेस्ट कर देंगे इसको और ओके। अब ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, अगर एक कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट नहीं होती है तो दूसरा कनेक्ट करें, ठीक है। और चलिए ये कनेक्ट हो जाएगा लग रहा है, तो उसका थोड़ा टाइम लगता है, इसको होने दें, इस पे नजर रखें। जब ये ग्रीन हो जाएगा मतलब हम वीपीएन से कनेक्ट हो चुके हैं, जब तक ये येलो है मतलब आप कनेक्टेड नहीं है। तो कई कबार ऐसा होता है कि आप जब कुछ हैक कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वीपीएन धोखा दे देता है, अगर अच्छा वीपीएन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये कट जाता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका असली कनेक्शन हो जाएगा, आपकी आईपी दिख जाएगी, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, इसीलिए अच्छी आईपी यूज करें। देखिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको डिसकनेक्ट कर दीजिए, दूसरे उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, TCP/AT से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यूजर नेम था वीपीएन ब्रुक, पासवर्ड ये रहा, ओके। ये मैंने सामने ले आया हूं मैं इसको ताकि दिखता रहे नीचे, ओके
ऐसे ट्राई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फ्री है तो ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं एक बार, फिर से करके देखते हैं इसको। हम रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इस बार। पासवर्ड पेस्ट किया, पिन बुक लिखा और ओके कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं चलाया था इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था। देखिए मेरी आईपी असाइन क्या हुई है, 10.9.0.1.8.2, और मैं वीपीएन से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, ये ग्रीन हो गया ना, ये कनेक्ट हो गया। अब मेरी पहले आईपी क्या बताई थी इसने, देख रहे हैं आप, 117 और ये। और अब ज़रा देखते हैं मेरी आईपी क्या है। ठीक है, चलिए, वट इज माई आईपी। अब देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी आईपी क्या बताता है। देख सकते हैं आप, पहले क्या थी ये, अब क्या है ये। लोकेशन देखते हैं कि कहाँ की बताता है। मैं इंडिया में बैठा हूँ, आप जानते हैं सभी। और ये देखते हैं कि मेरी लोकेशन कहाँ बताता है, कि मतलब मैं कहाँ हूँ इस वक्त। नेटवर्क को क्या लगता है कि मैं कहाँ हूँ, ये देखते हैं। लोकेशन, चलिए इसको क्लिक करते हैं। तो इस नेटवर्क के हिसाब से मैं मैनेसा वर्जीनिया यूएस में हूं। ठीक है, तो अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूं इनके हिसाब से। ये रहा मेरा मैप, ये रही मेरी लोकेशन। लेकिन आप सभी को पता है मैं यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं हूँ, मैं इंडिया में हूँ। तो ऐसे मैंने अपनी आईपी हाइड कर ली। ठीक है, अब दूसरा चरण जो होता है उसका, वो होता है टॉर ब्राउजर। तो मैंने टॉर ब्राउजर डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप भी टॉर ब्राउजर लिखेंगे तो गूगल पे आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, डाउनलोड टॉर ब्राउजर। देखिए यहाँ पर आ गया, इस पर क्लिक करना है और सिर्फ डाउनलोड बटन दबा देना है, सिंपल है। एक बात और ध्यान रखें कि जब आप वीपीएन और टॉर ब्राउजर यूज करें तो अच्छा कनेक्शन यूज करें, और स्लो कनेक्शन यूज करेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा आपका इंटरनेट, बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि अच्छा कनेक्शन आप यूज करें। देखिए डाउनलोड बटन दबाइए, विंडोज सेलेक्ट कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो वीपीएन मैंने डाली हुई है, आपको पता चल गया वीपीएन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं और इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब वीपीएन के साथ साथ आपको टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करना होगा। अब हम टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे, इसको डबल क्लिक किया जैसे नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ध्यान दें कि सबसे पहले मेरी आईपी इसने ये बताई थी। ठीक है, अब टॉर को इस्तेमाल करके देखेंगे ये मेरी आईपी क्या बताता है। रन करेंगे इसको, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टॉल। तो ये जब इंस्टॉल होगा तो एक फोल्डर बना देगा, उसके अंदर सारी फाइल्स खुल जाएंगी। चलिए रन टॉर ब्राउजर पे अब क्लिक रहने देंगे और ये भी दोनों पे रहने देंगे और फिनिश कर देंगे। देखिए यहां पर ऑप्शन आ गया, स्टार्ट टॉर ब्राउजर, कॉन्फ़िगर और कनेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे कनेक्ट, ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसको होने दे कनेक्ट। ये काफी टाइम ले लेता है, जो टॉर ब्राउजर जब स्टार्टिंग में होता है, इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन, तो काफी टाइम ले लेता है, तो काफी पेशेंस रहना पड़ेगा आपको
और अगर आप हैक कर रहे हैं तो उसके पहले से ही आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एन वक्त पे आप चाहते हैं सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने कंप्यूटर को पूरी तरह से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, आपको पता है फूट प्रिंटिंग करनी पड़ती है, अपना कंप्यूटर रेडी रखना पड़ता है। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसको चार्ज तो ज़रूर कर लें, ऐसा ना हो कि आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए और आप हैक ना कर पाए कुछ भी, पावर सोर्स ना हो। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें। देखिए आप देख सकते हैं मेरा टॉर ब्राउज़र खुल चुका है, द अनियन रूटर बोलते हैं इसको। इसमें लिखा है वेलकम टू टॉर ब्राउज़र, यू आर नाउ फ्री टू ब्राउज द इंटरनेट एनोनिमसली। ठीक है, चलिए। द ग्रीन अनियन मेन्यू नाउ हैज अ सिक्योरिटी स्लाइडर विच लेट्स यू एडजस्ट योर सिक्योरिटी लेवल। चेक इट आउट। चलिए यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल, न्यू टॉर्क सर्किट, मतलब नया सर्किट बनाना है। ठीक है, नया सर्किट बनाना मतलब एक आईपी के बाद दूसरी आईपी, तीसरी आईपी, चौथी आईपी, ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखता हूँ कि मैं ये क्या बोलता है, मेरी आईपी क्या है। पहले मैं गूगल विजिट कर लेता हूँ, इस पर गूगल खोलता हूँ। एनोनिमस होने का ये सबसे ईजी तरीका है मैं कहूँ तो, टॉर ब्राउज़र। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि कितना पावरफुल है। जितने भी हैकर्स हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो करते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, व्हाट इज माय आईपी, ये क्या बताता है। देखिए देख सकते हैं आप, पहले क्या बताया था ये, अब क्या बताया ये। अब व्हाट इज माय आईपी पे जरा लोकेशन देख लेते हैं कि हमारी लोकेशन है क्या। और ये देखिए मेरा सर्किट भी बताएगा, ये देखिए सर्किट, मैंने बताया था ना आपको आईपी के बाद आईपी, आईपी के बाद आईपी। तो कितने आईपी के लेयर्स हैं यहाँ, एक दो तीन आईपी की। पहले लक्समबर्ग की आईपी है, फिर जर्मनी की आईपी है, ग्वाटेमाला की आईपी है, उसके बाद इंटरनेट है। हमारे ब्राउजर और इंटरनेट के बीच तीन देशों की आईपी अलग अलग, तीन आईपी के पीछे छुपे हुए हैं। इस सर्किट को आप बड़ा भी कर सकते हैं या न्यू टॉर सर्किट कर सकते हैं और इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए मैंने विंडो पूरी बड़ी की बोल रहा है। मैक्सिमाइजिंग टॉर ब्राउजर कैन अलाउ वेबसाइट टू डिटरमाइन योर मॉनिटर साइज, हमें ट्रैक कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस विंडो को ऐसे ही रखना है, पूरा नहीं करना है, उससे हमारी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, राइट। तो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब आप बोलेंगे इसको कम रखने से क्या होगा, कम रखने से ये है कि थोड़ा सेफ रहेगा। इसको बड़ा कर देते हैं ना तो पूरी विंडो की वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है कि अगर विंडो पूरी हो रही है तो अब वो जाने कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन टॉर ने ऐसा बोल रखा है कि आप विंडो पूरी करेंगे, बड़ी करेंगे, तो आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। ऐसे चांसेस वैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्या क्या पड़ी है, हम ऐसे ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेंगे और क्या। चलिए तो ये बोल रहा है कि मैं अभी नीदरलैंड में हूँ, नॉर्थ हॉलैंड में, और मेरी सिटी का नाम है एम्स्टर्डम। ठीक है, और मेरे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो है एनफोर्स एंटरटेनमेंट बीवी। ठीक है, और आपको पता है मैं इंडिया में हूँ। देखिए अभी आईपी कुछ और बता रहा है, ये आईपी, तो ऐसे ये काम करता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपनी आईपी हाइड कर सकते हैं और कोई भी हैक या कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। थैंक यू सो मच।